नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। एमएलसी चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से ही वोटिंग की जा रही है, लेकिन इस वक्त तस्वीरें दानापुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर फुलवारी शरीफ से माले के विधायक वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह है कि किसी आम गाड़ी से नहीं बल्कि पार्टी के सिंबल वाली गाड़ी से विधायक जी मतदान केंद्र में घुसते हैं, और जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो पत्रकारों को ही विधायक जी पाठ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें दानापुर के मतदान केंद्र से देखने को मिली है और किस तरह से सवाल से भागते हुए विधायक जी नजर आ रहे हैं। खासकर जो मजिस्ट्रेट है वो भी सवालों से दाएं बाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी जो है अपनी बातों को सही से नहीं रख पा रहे हैं और ना ही पत्रकारों के सवाल का ठीक से जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है दानापुर के मतदान के। ये लेकर आए हैं आप झंडा लगा के आए हैं पार्टी का? झंडा लगाने से पार्टी आचार नहीं, आचार संहिता तो चल ही रहा है ना। मैंने हंसुआ थोड़ा यहाँ है। नहीं नहीं, फिर भी कैंडिडेट है, तब एमएलए है ना, तो आचार संहिता क्या है? लेकिन फिर भी ये तो आचार संहिता, वहाँ झंडा नहीं ना है। लेकिन पार्टी का झंडा लेकर तो आना नहीं है, हम अपने पार्टी के झंडा के लिए वोट मांग रहे हैं। फिर भी आपको नहीं बुझा रहा क्या पूछ रहे हैं सर? उल्टा हम भी तो वही पूछ रहे हैं। आप उल्टा तो क्या पूछ रहे हैं? हम अभी बातें करते चल रहा पार्टी का झंडा है कि किसी भी पार्टी का झंडा हो, झंडा तो होता है ना, किसी लिखा हुआ है। हाँ, आप झंडा लेकर, आप राजनीतिक दल हैं, आप विधायक हैं, नहीं हटा के आना होता है सर। विधायक जी ये बताइए, आपने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन किसी ना किसी को तो समर्थन किए होंगे आप यहाँ, तो फिर भी कहना क्या है, बोलिए ना। देखिए, चुनाव में अपनी पार्टी का झंडा लेकर नहीं आना, लेकिन आप लेकर आए। निकल रहे विधायक लोग अपनी गाड़ी छोड़ के आए हैं? बिल्कुल, निजी वाहन से आते हैं आप, उससे निजी वाहन हमारा यही है, लेकिन पार्टी का झंडा नहीं ना होना चाहिए। पार्टी का मेरा सिंबल है, वो कहाँ छोड़ेंगे? अरे उसको थोड़ी देर के लिए निकाल सकते हैं। चुनाव चिन्ह नहीं है पार्टी का, सुनिए पहला जी, ज्ञान रखिए, पार्टी का झंडा नहीं है वो, ये पार्टी का झंडा है, चुनाव चिन्ह नहीं है। बिल्कुल, लेकिन 100 मीटर के दूरी के बाहर गाड़ी रखना है। मेन गेट आप देखिए कि यहाँ पर है, और आप तो कैंपस में लेकर विधायक जी पहुँच गए। हाँ ठीक है, कैंपस में हम लेकर आए हैं, लेकर आए। तो ये गलती मानते हैं ना? गलती नहीं, चुनाव गलती नहीं मान रहे विधायक जी, गलती नहीं मान रहे। तो विधायक जी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है? और देखिए ये पार्टी के झंडा विधायक जी लाए हैं। ना ना, झंडा उंडा नहीं, गाड़ी नहीं अलाउड रहा, बूथ में नहीं, बूथ से 100 मीटर बाहर ही रहता। कैसे कैसे लिख सर, ये बताइए कि विधायक जी झंडा लेकर आ गए अपनी पार्टी का, गाड़ी झंडा नहीं, गाड़ी है, गाड़ी नहीं, उनमें गाड़ी पर लगा हुआ है झंडा, गाड़ी अलाउड नहीं है, गाड़ी अलाउड नहीं आना था ना। अपना कहाँ गया गाड़ी? क्या ना, क्या नाम हुआ सर आपका? हम सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। नाम नहीं बताइएगा? कार्रवाई हो रही है, विधायक जी जो है झंडा लेकर के आए हैं सर, कार्रवाई होगी विधायक जी झंडा के साथ में जो आए हैं? कार्रवाई होगी सर, क्या कार्रवाई होगी? जो उचित कार्रवाई है, नियम में है, वो होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से माले के विधायक पत्रकार को ही समझा रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। हालांकि जो आचार संहिता है वो लागू है और हर किसी को इसका पालन करना होगा, लेकिन इसके बावजूद विधायक जी पार्टी सिंबल वाली गाड़ी से वहां पर पहुंचते हैं और जब सवाल पूछे जाते हैं तो उल्टे पत्रकारों को ही जवाब देते हैं और अपनी गलती भी नहीं मानते। और यही वजह है कि इस तरह से जो वीडियो इस वक्त दानापुर से निकलकर सामने आया है, वो कई तरह के सवाल
भी उठा रहा है कि आखिर माले के विधायक ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों वो पार्टी के सिंबल वाली गाड़ी से मतदान केंद्र पहुंचे और क्यों वो इस तरह से पत्रकारों के सवाल के ही उल्टे जवाब दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।